ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आम लोग अपने चहेते नेता का गुणगान करें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दो बार के विधायक व राज्य मंत्री इस प्रकार की बचकाना हरकत करें, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। एक से बढ़कर एक पोताम्बर देखे, मगर चापलूसी और पोताम्बरी की ऐसी पराकाष्ठा अब तक नहीं देखी थी। हो सकता है इस मोदी आरती की रचना करने वाली महिला अपने पारंपरिक धर्म व आस्था से इतनी ऊब चुकी थी कि उन्होंने भगवान के ऊपर आरती की रचना करने के बजाय एक इंसान को हनुमान का स्वरूप दे बैठी। लेकिन मसूरी विधायक ने तो इस महान लेखिका से भी कई गुना आगे बढ़कर ये कह दिया कि वह सुबह उठते हैं, मोदी जी की फोटो की पूजा करते हैं। यहाँ तक भी विधायक जी की आस्था सीमा के दायरे में दिखी, परंतु हैरानी की बात तो ये है कि गणेश जोशी ने अपने बयान में ये तक कह दिया कि मोदी जी का भव्य मंदिर बनाना चाहिए। अब मोदी जी के मंदिर स्थापना करने के पीछे विधायक जी की क्या आस्था छुपी हुई थी, ये तो विधायक जोशी ही बेहतर बता पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी को लगा कि मोदी जी के मंदिर का प्रसाद किसी को मिले ना मिले, कम से कम भगवान स्वरूप मोदी जी अपने भक्त विधायक गणेश जोशी को मंत्री तो बना ही देंगे। ऐसे ही विधायक जी की आस्था व सोच रही होगी, तभी उन्होंने हिंदू धर्म की सभी सीमाएं लांघ दी। परंतु बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी को जहां विधायक गणेश जोशी जैसे अंधभक्तों का साथ देना चाहिए, लेकिन भाजपा संगठन ने उल्टा मोदी आरती से अपना पल्ला ही झाड़ लिया और ये कह दिया कि ये गणेश जोशी की व्यक्तिगत आस्था व भावना हो सकती है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी संगठन एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में पार्टी के किसी भी नेता का आरती लॉन्च करना पार्टी का मकसद नहीं है। फिर क्या था, जैसे ही पार्टी के इस तल्क तेवर की जानकारी राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को लगी तो मंत्री जी ने भी अपना पल्ला झाड़ने में ही खुद की भलाई समझी और ये कहते दिखे। उन्हें मोदी आरती लॉन्च करने की पूर्व से जानकारी नहीं थी, लेकिन मंत्री जी अब इस पूरे प्रकरण से कंधे काटने से काम नहीं चलने वाला है। यदि आपकी बातों को हम मान भी लें कि आपको आरती के बारे में बेशक जानकारी नहीं होगी, तो फिर आप एक प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ही आप मोदी आरती विमोचन करने से मनाही कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। शायद आपने ये सोचा होगा कि गणेश जोशी की ये आरती हिट व फिट बैठती है तो उसका श्रेय कुछ न कुछ आपको भी जाएगा। जब श्रेय लेने के लिए आगे हुए थे तो अब कुछ बदनामी के छींटे पड़ना तो लाजमी है। अब त्रिवेंद्र सरकार इस मोदी आरती लॉन्चिंग पर क्या रुख अपनाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सीएम ने इस पूरे प्रकरण पर खामोशी साध रखी है, वहीं अब विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर हो गया है और हमला काफी तेज कर दिया है। और हो भी क्यों नहीं, उन्हें तो विधायक जोशी व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बैठे बिठाए ज्वलंत मुद्दा जो दे दिया है। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।